महाराज युधिष्ठिर इंक्वायरी, भीष्मदेव फर्स्ट डिनाइड ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ कास्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्वालिफिकेशंस. देन ही सिस्टमैटिकली इन टू फोल्ड डिविजन्स डिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रैक्शन बाय डिटैचमेंट एंड इंट्रैक्शन बाय अटैचमेंट. तो ये हमने इसका तो पर चर्चा पहले कर लिया, और उसमें भीष्मदेव जो है, जहां पे मनुष्य में 9 गुण होने चाहिए उसको समझाते हैं. वो 9 गुण इस प्रकार है कि व्यक्ति को क्रोधित नहीं होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए कि जो मुझे मिला है यही मैं डिजर्व करता हूँ, इससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं रखना है. इसमें बहुत अच्छा वर्स है महाभारत में, क्या बताया है भीष्मदेव. कह रहे हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो चीजें होती हैं जीवन में. तो अगर आप प्रारब्ध के, लोग बोलते हैं ना प्रभु जी सब अगर लिखी थे तो हम काम क्यों करें, तो इसका मतलब प्रारब्ध पे छोड़ दोगे तो जो भगवान ने आपको पुरुषार्थ दिया है उसका हनन हो जाएगा. तो भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ को प्रधान रखो और जो प्रारब्ध है उसको गौण रखो, जो कर्म में आने वाला है आने दो, तुम अपना जो है रास्ता बनाओ. बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा है. नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है. टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, अपने धन को अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे से बांटना है. टू फॉरगिव, माफ करना है. टू बिगेट चिल्ड्रन वन बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ, अपने पत्नी से ही बच्चों का उत्पत्ति करना है. टू बी प्योर इन माइंड एंड हाइजीनिक इन बॉडी, हाँ अपने मन और शरीर दोनों में पवित्रता बनाए रखनी है. नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड एनी वन, किसी के प्रति भी हमें शत्रु भाव नहीं रखना है. टू बी सिंपल, हमें सादगी में रहना है. टू सपोर्ट सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट, तो जो है आपके सबॉर्डिनेट या सर्वेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट करें, उनकी उनके अवस्था को देखते हुए, उनको जरूरतों को देखते हुए मदद करें. मौसमी माता जी शायद आपका वो ऑन है, म्यूट कर दीजिए प्लीज. आप लोग खुद ही ध्यान रखिए, म्यूट करके वीडियो ऑफ करके शांति से जो पटका पटकी करने करो. ओके हरे कृष्णा. तो फिर उसके बाद भीष्मदेव जो है 4 प्रकार के पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है. तो यहाँ पे कहा गया है फॉर द इंटेलिजेंट मैन कंट्रोलिंग द सेंसेस इज द मोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन. जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो चीजों को सही मायने में समझने लगता है और उसके हिसाब से वो कार्य करने लगता है, और अब इसके लिए अपने इंद्रियों को जहां जरूरी है वहां रोकता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहा गया है. एंड कंट्रोलिंग सेंसेस यानी अपने इंद्रियों को जो वश में करना बहुत जरूरी है. हमारे असली शत्रु कौन है, हमारे असली असली शत्रु हमारे इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं कर पाए. ये घोड़ों की तरह है, 5 घोड़े कैसे इधर उधर भागे, तो 5ों इंद्रिय ना इंद्रिय विषयों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं. तो ये ऐसा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हर जीव का अलग होता है. लाइक गुलाब का फूल सूंघने के लिए हम भाग सकते हैं, वो कुत्ता बिल्ली नहीं भागेगा, क्यों, तो फर्क है. तो कैसे होता है देखिए, ये मैं बोर्ड वापिस यूज नहीं किया, मुझे माफ करिए, मैं करता हूँ किसी दिन, आज ध्यान में नहीं था. तो इंद्रिय जैसे नाक है, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं. अब ये सूंघने का जो स्मेल है ना, स्मेल ये एक शक्ति है. अब माइंड में रखा हुआ है कि गुलाब का सुगंध अच्छा है, अच्छा है. ये हमें किसी ने शब्द के द्वारा बताया कि बेटा अच्छा है, तुमने बोला हाँ ये अच्छा है, मन में लिखा है गुलाब का सुगंध, ये सुगंध अच्छा है. अब हम क्या करते हैं, नाक मन को चाहिए अच्छा ही, इंद्रियों को भी चाहिए मुझे वो सुगंध लेना है. आप बात समझे, कोई नया आया तो वो फिर वापस उसका एनालिसिस चालू होता है बुद्धि मन और इसका, लेकिन जो पुराने में रजिस्टर्ड है वो ले लेगा. गुलाब जामुन अच्छा है, अगर कोई गंदा चीज है, सड़ा हुआ चीज है, बुरा है, माइंड में बुरा है. तो बेसिकली हम हमारे ही इंद्रियों से, इंद्रिय विषय का अनुभव करके अपने मन से रजिस्टर्ड चीजों से ही काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ का अस्तित्व है ही नहीं आत्मा का, तो जो करता है वो जानता है ये मन के साथ केवल टाइम पास कर रहा है. तो उसको कंट्रोल करो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाओ. ये स्टेटमेंट बहुत गहरा है, याद रखिए, क्योंकि हम हमारे जो इंद्रिय हैं वो इतने प्रबल हैं. भगवान गीता में कहते हैं
कि इनमें से एक भी इंद्रिय अगर भाग जाए, हट जाए हमारे कंट्रोल से, तो हमारा सारे जो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर मन भी जाएगा, बुद्धि सब जाएगी। इसलिए पांचों के पांचों को कंट्रोल करना होगा। ये नहीं कि अब मेरा जो है मैं कान से सुनने का बंद कर दे, मैं जिब्बा से बहुत खा रहा हूँ, जिब्बा कंट्रोल कर दिया लेकिन मन के वेग को नहीं किया, तो सभी को बैलेंस करना होगा। कई लोग दिखाते हैं कि हम बहुत तपस्वी हैं, हम एक ही टाइम खाते हैं, लेकिन मन में जो है दुराभाव पाल के रखते हैं, तो ये नहीं है, टोटल बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया इट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी। जो मोरालिटी है ना, जो आदमी एक दुनिया में अपने आप को मॉरल कहते हैं, याद रखिए ये परपोट्स इतने सुंदर है कि मैं इसको छोड़े बिना नहीं जा सकता, हमको सिलेबस कंप्लीट करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम समझें। तो यहाँ पे कहा गया इट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी। संसार में लोग अपने आप को बहुत मॉरल दिखाते हैं, बहुत, मतलब आप लोग माई गॉड दे सो केयरिंग, दे सो कंसर्न्ड एंड कंपैशनेट, लेकिन अंदर में वो एक्चुअली पापी है, क्योंकि अभी भी वो जो जैसा उनका अस्तित्व है वो पाप भरा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा पॉश दिखाते हैं, और बहुत ज्यादा एलोकेंट एंड डिसेंट, है ना, ऐसा एकदम आपको लगेगी वाह। लेकिन यहाँ कहा गया कि उस मोरालिटी अगर किसी को मोरल डिक्लेयर करना है तो मॉरल वो है जो संयम में रहे, आपकी अपनी कुछ जीता वो नीति मूल्य काम के हैं, अन्यथा अन्यथा वो केवल दिखावा है। ये दिखाना है कि आई एम सो आई ईट वेरी लिटिल, और और फिर स्त्री पीछे भागना, देखा नहीं, मैं सेल्फ एश्योर्ड हूँ, और फिर छुपके उनके पीछे भागना, तो ये काम करो लोभ, ये दिखाने में हम चेहरे पे ढक सकते हैं, अंदर जो भभक रहा है वोल्केनो, वो तो निकले। एब्रप्टली निकले। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोरालिटी का एक बेसिस है रिस्ट्रेन करता, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कहा गया सेक्स इंडल्जेंस इवन विथ अ लेजिटिमेट वाइफ मस्ट आल्सो बी कंट्रोल। ये प्रभुपाद अब आपको क्या कर रहे हैं, बेस ह्यूमन वैल्यू बता दिए विषय में, उसके बारे में प्रभुपाद ने जो न्यूट्रल लेहाकार के साथ रहे, उधर भी जितना जरूरी है उतना ही आपको इंटेलिजेंस करना है, क्योंकि क्योंकि आपको जैसे लगता है कि आप में से जो क्वेश्चन हम एंड में देंगे, क्वेश्चन हम 9 o'clock तक क्लास ले रहे थे, 9 से 9:15 क्वेश्चन होता है, 9:15 to 9:30 मनोरंजन होता है, तो तभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तो यहाँ पे कहा गया कि सेक्स इंटेलिजेंस इवन विद लेजिटिमेट वाइफ इज मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड देयर बाय फैमिली कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो वो ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट पर्सन, मतलब जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो ही शुड से नो टू एवरीबडी, और जो गृहस्थ है उसको बाहर नहीं बोलना है, लेकिन अंदर में भी अपने आप को कंट्रोल करना है। ये जो बैलेंसिंग पॉइंट जीव को लाना है ना, तभी वो शांत तो हो पाएगा, अन्यथा वो उस कामाग्नि में तड़प तड़प के मरेगा। तो यहाँ कहा गया है कि अब प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, आपको मोरालिटी से एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी कृपया करके अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज, प्रभु जी आप लोग पुराने डिवोटीज हैं, फिर मेरा ऑनलाइन डांट मत खाइए। मेरे सामने जो क्लास होता है उसमें उठक बैठक करवाता हूँ तो अपने जगह पे आप उठक बैठक मारिए तीन। तो रिमाइंडर, उठक बैठक इज फॉर रिमाइंडर कि अगली बार ऐसा नहीं करना, एंड देयर बाय द कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अभी सरकारें क्या कर रही हैं, नियम कानून लगा रही हैं कि दो ही बच्चे होने चाहिए, इतना ही होने चाहिए, लेकिन वो धर्म का ज्ञान नहीं फैला रहे। धर्म का ज्ञान फैलाएंगे तो अपने आप व्यक्ति जो है 2, 3, 4, 5 में जितने भी बच्चे हैं एक लेवल बाद वो स्टॉप करेगा। ये आर्टिफिशियल मीन्स को यूज नहीं करना है रोकने के लिए, आर्टिफिशियल से फिर कैंसर होता है। प्रपद बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, मतलब ये प्रपद ने लिखा है
अगर आप कुछ भी इलिसिट अफेयर को रोकने के लिए कोई भी दवाई या किसी भी प्रकार का चीज यूज करते हैं, वो कैंसर क्रिएट करता है। ये प्रभुपाद ने अपने टॉक में एक डिसाइपल को बताया, वो अभी भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये डोंट ट्राई टू डू दैट, जस्ट आप जब गृहस्थ जीवन में हैं, यानी उम्र के 20 से लेके 30-40 तक, तब जो बच्चे आप आपके घर में आ रहे हो, भगवान की दया है, 40 के बाद आपको आत्मसंयम रखते हुए आगे वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। तो ये यहाँ कहा गया है, एन इंटेलिजेंट मैन अब्यूजेस हिज ग्रेट क्वालिफिकेशन इफ ही डज नॉट फॉलो द वैदिक वे ऑफ लाइफ। आप देखिए, पहले भीष्म देव ने केवल मनुष्य के बारे में बताया, वो चीज हो गया, अब मोरालिटी उसके ऊपर आ गए, और वहां वो क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान वर्ग है, यानी जो मनुष्यों में बुद्धिमान वाले, बड़ा बुद्धिमान भी नहीं, जो थोड़े इस चीजों को जानता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं सिर्फ भोग वोग करने के लिए नहीं आया हूं, मेरा अस्तित्व कुछ बड़ा करने के लिए है, इससे अच्छा मैं कर सकता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को ही शुड फॉलो द वैदिक लाइफ, जो वैदिक लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना है। दिस मीन्स ही मस्ट सीरियसली मेक द स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर्स, स्पेशली ऑफ भागवतम एंड भगवद गीता। ऐसे व्यक्ति को जो है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और ये उन्होंने कहा है कि एक भक्त से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, अभक्त से पढ़ेंगे तो फिर वही भौतिक तत्व तो बाहर आएंगे। लेकिन जैसे कभी कभी लोग गीता बोल के बोलते हैं कि एंड इट्स अ गुड मैनेजमेंट, एक्चुअली कैन टेक गुड मैनेजमेंट ऑफ भगवद गीता, गधे, भगवद गीता तुझे संसार से निकाल सकता है, उसको मैनेजमेंट में ला के उल्लू नीचे मत लाओ प्लीज, है ना। आम वो लोग वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, यूएस में लोग स्मोक करते बोलते हैं, ये हाँ वी वेंट थ्रू भागवत गीता एंड देन देयर आर सम पॉइंट्स। अरे यार, भगवत गीता के आधार पे यार पूरा देश चल रहा है। हाँ, तो ये मूर्ख है, इन 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 अमेरिकन या गोरे लोग जो होते हैं ना, इन लोगों का प्रॉब्लम है कि ये लोग सिर्फ स्पेकुलेशन करते रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि गीता भी कोई स्पेकुलेशन है, तो वैसा नहीं है। गीता का एक एक लाइन, भागवत का एक एक लाइन हमारे जीवन की गहराई तक जाता है। अब यहां कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को आप देखिए प्रभुपाद क्या करते हैं, आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से मॉरल, मॉरल से इंटेलिजेंट सोचने में लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये भीष्मदेव का टीचिंग है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, वन मस्ट अप्रोच अ पर्सन हु इज सेंट परसेंट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो खुद अच्छे से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उससे आपको ज्ञान लेना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपोर्ट में ही, पहले ही पैराग्राफ में, आखिरी दो लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड लर्न भगवद गीता फ्रॉम अ डिवोटी। आपको मालूम ऐसा क्यों कहा है प्रभुपाद ने, ऐसा क्यों कहा है? हमें भगवद गीता किसी भक्त से ही पढ़ना चाहिए या वेदिक स्क्रिप्चर? यस, एमए पर से, जिसका नाम है एम मारुति, हरे कृष्णा प्रभु जी। एमए एमए। हाँ यस, बोलिए। प्रभु जी, शास्त्र कहते हैं जैसे गीता भागवतम दूध के समान है, और अगर कोई सर्प जो अभक्त उसे छू ले तो वही विषैला हो जाता है अभक्त क्योंकि वो नहीं, भौतिक। भक्तों से क्यों, भक्तों से क्यों पढ़ना चाहिए? अभक्त से नहीं पढ़ना चाहिए, समझ गए हम, भक्तों से क्यों पढ़ना चाहिए? जल्दी बोलिए, समय ताकि कम वो है, हमें मेरे मेन पॉइंट। भगवान के अंदर समझा सकें, भक्ति मतलब बता सकें। वेरी गुड। लेकिन और एक एच ए पर से किसी का नाम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ उन्होंने वो आचरण में लाया रहता है और उन्होंने उसका परफेक्ट तत्व परफेक्ट जान परफेक्ट रखा परफेक्ट, मेरे को आंसर मिल गया। अभी आप लोगों ने हाथ ऊपर किया, वेरी गुड, लेकिन हाथ हटा दीजिए। ऑलरेडी गोपाल जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। एक्चुअली भक्त जो है वो अपने जीवन में वो उतारा है और भगवान से वो प्रेम करता है, किसी के बारे में भी जानना है तो उससे जो प्रेम करे ना उससे पूछिए, तब पता चले। किसी द्वेषी से पूछिएगा तो गलत ही मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि अ पर्सन शुड अप्रोच अ डिवोटी, और यहाँ कहा गया ही मस्ट नॉट डू थिंग्स विच आर फॉरबिडन इन द शास्त्रस, जो शास्त्र में नहीं है उनको पालन, उसमें बचना चाहिए उससे। अ पर्सन के नॉट बी अ टीचर इफ ही ड्रिंक्स और स्मोक्स। हाँ, और अगर कोई जैसे कोई, जैसे भी प्रभु जी ने कहा ना कि बाहर वाले जो है वो, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे कथाकारों को मिला हूं, देखा हूं, लेकिन अब क्या है, हम खुद साधु है तो हम किसी को जाके नहीं कुछ बोलते, क्या बोल के फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे आते हैं सामने, कथा वथा करेंगे, आणी बाल लीला झाली आणी कृष्ण कान्हा, ऐसा सब चालू कर देंगे, और पीछे जाके पर्दे के पीछे स्मोक करेंगे और आधा घंटा बोलना है, नहीं ऐसा उनका हैवी हो जाता है।
मैंने हाइट है, मैं एक बार 24 घंटा कीर्तन किसी मंदिर में रखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाहर का मंदिर था, उन्होंने 24 घंटा कीर्तन रखा था, तो 3 घंटे का स्लॉट मुझे भी दिया था, मुझे कहा था प्रभुजी आप अवेलेबल हैं, तो मैं था, तो मैंने बोला ठीक है आप कर रहे हैं इतना अच्छा आयोजन, तो चलिए 3 घंटा मैं मेरे भक्तों के साथ आ जाऊंगा, हम लोग भी 3 घंटा गाएंगे। तो जो मेरे पहले गाया था वही मेरे 3 घंटे बाद गाने वाला था, लेकिन 3 घंटा आराम करने वाला था ताकि मैं ले लूं तो उसके बाद वो गाए, तो वो गा के उठे तो हम बोले वाह, तो फिर हम चालू किए, हम लोग कीर्तन करने लगे। कीर्तन कर रहे थे तो वो बंदा वहीं साइड में, क्योंकि आवाज तो चोंगे से जा रहा है ना वो वहीं पे लेटा हुआ, वो अंदर से छोटा बॉटल निकाल के पी गया, हाँ सो रहा, हम बोले रे कहाँ आ गए। तो पॉइंट क्या है कि आपके हरिनाम में वो इफेक्ट ही नहीं होगा, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप बिलीव नहीं करिए, कल हम लोग बोकारो में इतना सुंदर हरिनाम किए, इतना ग्रैंड यज्ञ था, नरसिंह यज्ञ और भूमि पूजन हुआ, उसके बाद जब निकल रहे थे तो इतने बड़े बड़े गोले गिरे, आप किसी का भी बोकारो में फोन करके पूछ सकते हैं, बोकारो धनबाद में इतना जोर जोर से बारिश हुआ, हेल स्टॉर्म जैसा तो हरिनाम में वो शक्ति है। तो यहाँ पे ये कहा गया, प्रभुपाद कहते कि अगर कोई कैरेक्टरलेस है, यानी मनुष्य तो जी रहा है लेकिन मॉरल वैल्यू से नहीं जी रहा, तो उससे उसका फिर कोई फायदा नहीं, अस्तित्व तो नहीं है। अब प्रभुपाद आपको मनुष्य से मॉरल, अब मॉरल से वर्णाश्रम में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है देयरफॉर द रेस्ट ऑफ एजुकेशन इज मिस यूज ऑफ हाई इंटेलिजेंस इन सो मेनी वेज, ये मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन द टीचर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन विदाउट इवेल्युएशन ऑफ हिज मॉरल लाइफ। एक शिक्षक जो है मॉडर्न आधुनिक शिक्षक, इसका जो नीति मूल्य है इसको ध्यान नहीं दिया जाता, केवल जो पेपर में मार्क्स मिले उसके आधार पे दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि व्यक्ति में दो चीजें होने चाहिए, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, यानी चरित्र और क्षमता, कार्य क्षमता। तो हम कार्य क्षमता तो देख लेते हैं लेकिन चरित्र देखना भूल जाते हैं, इसलिए आज क्या हो रहा है, टीचर्स हैं वो क्लास में जो अच्छी लड़की है दिखने सुंदर में उससे वो खुद ही लाइन मारना चालू कर देता है। हाँ अगर कोई स्टूडेंट है वो टीचर पे ऐसी सीटी मारता है, बिकॉज टीचर कैरेक्टरलेस है, सिस्टम जो है वो बनिया है वो कैरेक्टरलेस है, तो बच्चे कहाँ से ये सब सीखेंगे? बच्चे तब सीखेंगे जब टीचर फुल ऑफ कैरेक्टर है और बच्चों को मालूम है कि गलत काम किया तो दंड मिलेगा, दंड उचित मिलेगा, साम दाम दंड भेद मिलेगा। आज ही एक लड़का आया तो वो बोला प्रभु जी मैंने मेरा घड़ी इसको दिया, ने नहाते वक्त नदी में कहीं छोड़ दिया, वो गायब हो गया। तो फिर मैंने पूरा 10-15 बच्चों को बुलाया, मैंने बोला अब बताओ इसमें, अब हमको न्याय देना है, जस्टिस देना है, बताओ क्या करना चाहिए? नहीं प्रभु जी इसने लाके देना चाहिए। बोला नहीं ये गुरुकुल में पढ़ रहा है ना, तो मेरे अंडर है, तो माता पिता क्यों देंगे, जब ये मेरे अंडर हुआ है तो मेरा, तो फिर बहुत चर्चनिंग हुआ, तो मैंने उसको समझाया कि तुमने मुझे बिना पूछे इसको घड़ी दिया, तो जब तुमने गुरुकुल सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं किया तो तुमने अपने रिस्क पे दिया है, इसलिए अब ये घड़ी ये देने को बाध्य नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको पूछा तुमने घड़ी क्यों मांगा, जब यहाँ मांगना का जरूरत है नहीं, तुम मुझसे मांग सकते थे, चाहिए तो पेरेंट से मांग सकते थे, बोलते नहीं मुझे थोड़ा दिखने में अच्छा लगा, बोले तुम्हारी भी गलती है, लेकिन नीति पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज मॉरली तुम दोनों मेरे अंडर हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने बोला वो हम लोग यात्रा ले जा रहे बच्चों को, तो मैं बोला यात्रा में जो तुम्हारी यात्रा में जब लक्ष्मी आएगा तो 1,000 का तुम ले लेना, 900 का घड़ी था, तुम हमें मेरी तरफ से ले लेना। तो पॉइंट क्या है, वो बच्चा लास्ट में खुश हुआ कि हाँ घड़ी मिलेगा, वो उसको किसी उसके रिलेटिव ने दिया था प्यार से। तो पॉइंट क्या है कि आप जब बच्चों को ये मूल्य सिखाएंगे तब बड़े जाके अच्छे निर्णय ले पाएंगे, नहीं सिखाएंगे तो हाँ मार्क्स आ गया, वो उसको प्राउड फील होगा कि नो मैं ये हूँ वो हूँ। हाँ मुझे आश्चर्य लगा कि मेरे उम्र की, एक माता जी हैं वो क्वेश्चन पूछे, इनको क्या मेरे वीडियो देगा, तो क्वेश्चन पूछे तो मैंने बताया रहे माता अभी इंजीनियरिंग बैच में टॉप वाला भूत उतर, हम अलग फील्ड में है, कोई भूत जो है जल्दी उतरता नहीं, तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये काम का नहीं, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम आ गया। पहले आया मनुष्य कैसे, रहना है सिस्टम
क्या, तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है, तो अभी जो हमने क्वालिटी देखा ये इंटेलिजेंट पीपल का है, यानी उगड़ बुद्धिमान। उगड़ हाँ उगड़ा उगड़ा, पांडुरानी माता जी उगड़ा वहां। लाइन उगड़ा सके तो अनम्यूट कैसे हो जाता है, मेरा तो होता ही नहीं। ये जो ये इंटेलिजेंट क्लास को कहा गया है, यानी जो ब्राह्मणिकल क्लास है, ब्राह्मणिकल क्लास है, उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप जो जो है इसको होल्ड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कम क्योंकि ये जो ब्राह्मणिकल क्लास है वो अपने कैरेक्टर को बना के रखता है। तो ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्ण राम प्रभु जी, हरे हरे। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रहा है आवाज? अरे जी वो प्रभु जी। क्या मैंने क्या किया होगा, आ रहा है मैंने आवाज? डेटा डेटा ऑफ और डेटा ऑन कर दिया। ये आज तक ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, ये दुनिया जुगाड़ से चलती है, जुगाड़। मुझे आज भी याद है, मैं एक स्टूडेंट को सिखा रहा था, जब मैं शॉप करता था तो सॉफ्टवेयर था, कुछ सिखा रहा था, तो चालू ही नहीं हो रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। मैं इतना सब सिस्टम ऑन ऑफ किया, लास्ट में उस सीपीयू को एक जोर से ऐसा ठप पकड़ के मारा, टाइम करके विंडोज। हमारा गजब दुनिया है। एनीवेज, जो है सो है, यही है। सो यस, तो यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग हैं, इनका काम है शास्त्रों का पठन करना, अध्ययन करना, समाज में जाके इसको देना, और अपने वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड करना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अपने मॉरल वैल्यूज को बहुत हाई होल्ड करके रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कल हम देखेंगे क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि क्षत्रियों का फिर बड़ा है और मैं उसमें और भी डाइव इन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, MA पर से जिनका नाम है, MA मारुति, या क्या नाम रखा है, मनमोहन सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, कन्वर्ट प्रणाम प्रभु यस प्रभु। जी। आपका एक लेक्चर सुना था मैंने, जिसमें आप आत्मा की कवरेज के बारे में बता रहे थे, ज्ञान में कोश, मनोमय कोश, तो उसके अगर आप डिटेल में स्पिन कर देंगे तो समझ नहीं आया था। नहीं, वो तो मैंने ऑलरेडी लंबा क्लासेस दिया प्रभु जी, आपको वापिस वो लेक्चर सुनिए, जो उसको मैंने मेरे गीता क्लास में लंबे एलाबोरेट बताया, तो हर बार बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो ऐसा है, फिर भी आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, बाकी डिटेल उसी में जाना होगा, डिटेल नहीं बता पाऊंगा। देखिए, ये जो शरीर है ना, ये अन्न अन्न से बना हुआ है, तो अन्न से अन्नमय कोश होता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और जल, इन तीन का प्रधानता होती है। तो अन्न को अन्न से ही सस्टेन किया जाएगा, और अन्न अन्न में ही मिल जाएगा लास्ट में खत्म होने पर, उसको कहते हैं अन्नमय कोश, जो आपको दिखता है ये वाला। और उसके अंदर होता है प्राणमय कोश, जिसमें पांच प्राण होते हैं। हाँ, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, इन पांच वायुओं से बना हुआ होता है। तो इसमें एयर और ईथर, आकाश और वायु, इन दोनों से बना होता है ये पांच वायु का शरीर। ये भी एक शरीर है, उसके ऊपर ये रहता है, जैसे मेरे इस शरीर के ऊपर ये कुर्ता है, अगर ये शरीर हट जाए तो कुर्ता गिर जाएगा। तो वैसे ही अन्नमय जो है वो प्राणमय पे आधारित होता है, इसलिए अगर आप
ने किसी का प्राण चोक कर दिया तो उसका आदमी क्यों काम करे? सर हमने किसी की गलत दवा दी, जैसे यहाँ प्राणवायु जाते हो, रोजे कपड़ा मुझे कुछ नहीं कर सकता, इसको प्राणवायु कहते हैं। वायु के अंदर है मनोमय कोश, तो मनोमय कोश में मन बुद्धि और अहंकार, इसको चित्त का जो अंतःकरण है इससे बना होता। तो ये जो प्राणमय कोश है ये इसके अंदर इसके ऊपर आ गया कितना, लेकिन मन दुखी है तो वो हार जाएगा, उसके बाद उसको डिसीज होने लगेंगे। कैसे? उसका जो मन है वो जाने के बाद जो वायु संचालन है वो शिथिल हो जाएगा, तो फिर जो शरीर को मिलने वाला जो पावर है वो शिथिल हो जाएगा। प्राणमय कोश बर्बाद हो जाएगा, प्राणमय कोश बर्बाद हो और मनोमय तो और उस तो विज्ञानमय जो है वो मनोमय प्राणमय और अन्नमय के साथ खेलता है जब तक वो माया में से प्रभावित है, और जो ही वो पलटता है जाग जाता है यहां से, अरे ये गलत है, यहाँ पलटता परमात्मा दिखते हैं जो आनंदमय आनंदमय परमात्मा है। ओके कुलदीप या KUL से किसी का नाम है जी प्रभु जी, अरे धन्यवाद। यस KUL, कुल KUL पे जिनका नाम है नहीं लगता है। पांडुरानी माता जी हेलो हेलो। हाँ प्रभु जी, अरे प्रभु बोलिए बोलिए प्रभु। थोड़ा सा एक बार एलोबरेट करेंगे उस चीज को जो प्रभुपाद जी ने बताया कि वो कैंसर वाला जो पोर्शन था जो, देखिए अभी क्या एलोबरेट क्या है ना, मैं साधु हूँ यहाँ सब गृहस्थ बैठे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बताता हूँ। लोग वो पिल्स खाते हैं प्रेगनेंसी बचाने के लिए, ठीक है, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं या फिर ऐसे कुछ भी काम करते हैं, तो दीज आर ऑल आर्टिफिशियल जो नेचुरल नहीं है। तो प्रभुपाद सीधा बोलते हैं इससे एक्चुअली बहुत सारे कैंसर होते हैं, ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप जो भी देखिए आप शरीर को जहां भी आर्टिफिशियल कर दीजिएगा तो वहां ये सब होगा, ऐसा तो जनरली ये सब अवॉइड करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस राहुल भगत जी प्रणाम प्रभु। परसों पूछना था ये क्वेश्चन, क्षमा करना ये जो एक गुण है मनुष्यों का ये होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे और आपसे ये मतलब थोड़ा मेरी विनती है कि उस पर प्रकाश डालिए कि खुद को तो हम तो माफी करते रहते हैं जनरली नोइंगली अननोइंगली बहुत बार करते हैं, इतने कि निर्लज्ज बन जाते हैं, तो भी इसको कैसे देखना है कि खुद को माफ करो। हाँ एक समझ सकते हैं कि गिल्टी कॉन्शियसनेस आ जाता है कहीं कहीं कभी कभी, पर फिर भी ये तो नेचुरली हो जाता है, तो कैसे देखें इसको क्योंकि नहीं, दूसरों नहीं, को क्षमा करना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छा चीज बोलते थे, बोलते हैं स्ट्रिक्ट विथ वन सेल्फ लीनियंट टू अदर्स। आप खुद पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, दूसरों पे लीनियंट लीजिए। हाँ आपके अंदर कोई सब्जेक्ट है पति पत्नी बच्चे या जैसे आपके अंदर कोई जिम्मेदारी वाले चीज वहां स्ट्रिक्ट रहिए, और अपने तो स्ट्रिक्ट रहने रहे, बाकी जो आपके परव्यू के बाहर है उन पे लीनियंट रहिए, वो आपका लुकआउट नहीं। तो ये मेथडोलॉजी है, आप अपने पे स्ट्रिक्ट रहना, ऐसा नहीं कि शेमलेस हो जाना, शेमलेस हो जाना भी डेंजरस चीज है ना, बाद में आपको बहुत दूर लेके चली जाएगी जहां से आप रिपेयर नहीं हो सकते। और जप में भी प्रभु ये क्षमा करो लेकिन स्ट्रिक्ट रहो। और थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है प्रभु, इससे रिलेटेड हो भी सकता है कि जप करने में साधना में स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते हैं हम लोग, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, तो उसको कैसे कुछ उपाय बताएंगे थोड़ा खुद के लिए डंडे मारने के लिए? तो पहले एक डंडा मुझे खुद को मारना होगा फिर मैं आप लोग
सब भी उसी बोट में देखे हमारे। सोलह माला है, 2 घंटे तो निकाल लीजिए दिन में। मन मन कितना रुचि रखता है वो तो बहुत बड़ा विषय है, वो आपको लेक्चर से नहीं आएगा, वो फिर माया डंडा मारेगी। माया को बोलिए विपदा संतुता शाश्वत, और परेशानी दीजिए प्रभु ताकि मैं आपका जप करूं। ना ये आपको आंसर मालूम है कि इसमें बड़ा चीज है। हरे कृष्णा इंद्राणी माता जी। जी हरे कृष्णा। वो मेरा वही क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को क्यों दांव पे लगाया था। हाँ प्रभु जी, आप सुनाई दे रहे हैं आपको? हेलो हेलो, सुनाई दे रहे हैं प्रभु जी? हेलो, हाँ सुनाई दे रहे हैं? हाँ, वो मेरा वही क्वेश्चन है कि हाँ युधिष्ठिर ने द्रौपदी माता जी को मतलब दाव पे क्यों लगाया था, जब वो खुद धर्मराज थे, इतने बड़े ज्ञानी पर्सन थे, उन्होंने कैसे अपनी बीवी को? उसका वर्णन हम जब आगे यहाँ आएगा धृतराष्ट्र से, देखो तो जब धृतराष्ट्र का सेक्शन आगे आएगा तभी उसमें हम डील करेंगे। सुन रही ओके ओके ठीक है बाबू, ठीक ओके। डिले है लगता है, मैं जब बोल रहा हूँ आपको एक मिनट बाद सुनाई दे रहा है सबको, ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हाँ प्रभु। ओके प्रभु जी, तो ऐसा करते हैं प्रभु जी, जितना आज कर लिया कर लेते हैं कुछ, शायद नए में आज का स्लाइड दिखा सकते हैं, आज का क्लास एंड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन डे कल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आज कृष्णा प्रभु दंडवत।